रोटरी क्लब ऑफ अमरावती अंबानगरी द्वारा आयोजित परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरिजी यांच्या भव्य प्रवचन अमृत वर्षा कार्यक्रमाचे आयोजन दोन व तीन मे रोजी सांस्कृतिक भवन येथे करण्यात आले येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अद्भुत प्रबोधन या विषयावर स्वामी गोविंद देव गिरिजी यांच्या प्रबोधनाला सायंकाळी सुरुवात झाली अष्टप्रधान मंडल कहाजी महाराज के राज्यारोहण के पश्चात उनका जो पहिला निर्णय है द फर्स्ट डिसिजन ही टूक वंडरफुल क्या होगा वो शिवाजी महाराज के अभिषेक होने के समय तक सारा कारोबार पारसी में चलता था शिवाजी महाराज ने कहा पारसी भाषा बंद अब मराठी भाषा में सारा व्यवहार होगा और उन्होंने सारे के सारे प्रतिशब्दों को निर्माण करवाया ही गेव द फर्स्ट पोलिटिकल डिक्शनरी फर्स्ट पॉलिटिकल डिक्शनरी जिसका नाम है अब प्रकाशित है उपलब्ध है जिसका नाम है राजव्यवहार कोष राज व्यवहार कोश किसी फांसी शब्द का उपयोग हमारे लेखन में नहीं होना चाहिए पहिल्या दिवशी रविवारी अमृत वर्षाची कार्यक्रमाची सुरुवात स्वामी गोविंद देव गिरीजी यांच्या हस्ते आई अंबादेवी एकवीरा देवी एक व छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला हार पुष्प अर्पण करून व दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली हिंदू राजा था इस बात को जानी। उनको सारा ज्ञान आया कहां से संस्कृत ग्रंथों से आया विद्वानों ने बताया उन्होंने स्वयं पढ़ा और उनके एक एक निर्णय के साथ सारी बातों को टैली करके देखिए यह तो मैं चुनौती देकर के सब लोगों के सामने बोल रहा हूं तब आपको पता चलेगा कि हिंदू राज्य व्यवस्था कैसी रही है और उसके साथ शिवाजी महाराज की राज्य व्यवस्था की तुलना कीजिए तब पता चलेगा की हिंदवी स्वराज्य का सच्चा अर्थ हिंदू साम्राज्य आहे कार्यक्रमाचे आयोजन रोटरी क्लब ऑफ अमरावतीचे अध्यक्ष राजेश मित्तल सचिव अमय वैद्य आयोजन समितीचे प्रमुख सीय आशिष हरकूट जगदीश अग्रवाल सीय अनुपमा लड्डा यांच्यासह अनेकांनी केले यावेळी कार्यक्रमाचे संयोजक समाजसेवक चंद्रकुमार उर्फ लप्पी सेठ जाजोदिया यांचा मोलाचा वाटा राहिला आहे प्रबोधन कार्यक्रमाचा शेकडो नागरिकांनी लाभ घेतला शिवाजी महाराज के स्वयं के संस्कार उनके जीवन का लक्ष्य उनके साथी और उनके सबकी संस्कार निष्ठा नैतिकता समर्पण इसका चिंतन हमने किया अब एक और शौर्य से राज्य को जीतने में तीन बातें हैं स्वराज्य की संस्थापना स्वराज्य का विस्तार और स्वराज्य का सुशासन केवल राज्य जीत करके नहीं चलता है जीते हुए राज्य के ऊपर अच्छी तरह से राज करना भी आना चाहिए यू मस्ट नो वट गुड गवर्नेंस ये तीनों अलग अलग काम है थोड़ा सा चिंतन हम लोगों ने किया शिवाजी महाराज के कार्य विस्तार में